हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग ब्लड ग्रुप पढ़ रहे थे, ब्लड ग्रुप का फर्स्ट पार्ट हो गया है। उसमें हम लोगों ने देखा कि ब्लड क्या है, ब्लड के कंपोजिशन क्या है, और ब्लड जो है ब्लड की डिस्कवरी किसने की, और किसके आधार पर ब्लड ग्रुप को डिवाइड किया गया था, और कितने फॉर्म में कितने प्रकार के बांटे गए, ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं। हम लोगों ने यह स्टडी किया। फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने परसेंटेज देखा कि इंडिया में प्रत्येक जो ब्लड ग्रुप हैं सभी का परसेंटेज जो है, परसेंट कितने परसेंट पाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो फर्स्ट में पढ़ा है, जो बच्चे अभी फर्स्ट वीडियो नहीं देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले फर्स्ट वीडियो को देखें। फर्स्ट वीडियो को आप लोग देखें, उसके बाद इसको देखेंगे तो उसमें समझ में आएगा। क्योंकि दो प्रकार की प्रोटीन एंटीजन एंटीबॉडी बताई गई है कि ब्लड के सेल में, ब्लड में कौन कौन सी एंटीजन और एंटीबॉडी, जो दो प्रोटीन है कहाँ पाई जा रही हैं, उसका स्पेस क्या है, सारी चीज़ें वहाँ क्लियर होंगी। अगर हम उससे उस वीडियो को देख लेंगे तो हम इस वीडियो को अच्छे ढंग से हम समझ सकते हैं। तो अब हम लोग आज का टॉपिक जो शुरू करेंगे, आज का टॉपिक है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। आज का टॉपिक क्या है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बातें हम जब करेंगे तो रुधिर का ट्रांसफ़र करना, मतलब एक जो रिसीवर होगा, एक ग्राही होगा और एक क्या होगा, दाता होगा। एक जो होगा देने वाला होगा, मान लीजिए किसी को जो ब्लड ज़रूरत पड़ती है तो उसको ट्रांसफ़र किया जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। जिसको नेसेसरी होती है उसे हम ब्लड को ट्रांसफ्यूज करते हैं। तो वेरियस मेडिकल कंडीशन होती है जो उत्पन्न होती है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्यों नेसेसरी हो जाता है व्यक्ति को। तो उसमें से क्या होता है, किसी व्यक्ति को यदि एनीमिया हो गया या सर्जरी हुआ उसमें ब्लड लॉस हो गया, और एक्सीडेंटल केसों में ब्लड भी लॉस हो जाता है, ब्लड बह जाता है काफ़ी, तो उस समय ब्लड की नेसेसरी होती है, उस व्यक्ति को ब्लड चाहिए। तो हम लोगों ने देखा ब्लड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, कितने प्रकार से ब्लड चढ़ाए जाते हैं व्यक्तियों में। एक तो होल ब्लड्स होता है, होल ब्लड मतलब पूरे ब्लड को चढ़ा दिया जाता है, जो ब्लड एक डोनर से लिया जाता है उसको रिसीवर को दे दिया जाता है, ग्राही को दे दिया जाता है। आरबीसी, किसी को जैसे एनीमिया हो गया, एनीमिया तो केवल हीमोग्लोबिन की जरूरत है, आरबीसी की जरूरत है, जो कि होल ब्लड से ही ये प्रोडक्ट प्राप्त किए गए हैं। सेंट्रीफ्यूगल के द्वारा इसे अलग कर लिया जाता है, इससे आरबीसी को, प्लेटलेट्स को, ये होल ब्लड के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। इनको सेंट्रीफ्यूगल द्वारा अलग कर लिया जाता है, ब्लड के कंपोनेंट्स हैं तो इन्हें कैसे अलग कर लिया जाता है। तो जैसे आरबीसी की जरूरत जहाँ पड़ती है, जैसे एनीमिया में हो गया, सर्जरी में और एक्सीडेंटल केस में तो होल ब्लड जरूरी है, लेकिन प्लेटलेट कहाँ पर होता है? प्लेटलेट आप सुने हैं कि प्लेटलेट की नेसेसरी कहाँ होती है? डेंगू, आप अभी एटलीस्ट इस समय देखा गया कि डेंगू बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, उसमें जो है किसकी जरूरत पड़ती है, प्लेटलेट की नेसेसरी होती है, उस पेशेंट को प्लेटलेट चाहिए। तो ये होल ब्लड के पार्ट्स हैं। होल ब्लड तो दिया ही जाता है व्यक्ति को, लेकिन कुछ ऐसे भी पार्ट होते हैं जो कि इनको देकर भी उस पेशेंट को ठीक किया जा सकता है, क्योंकि विशेष पार्ट होते हैं जो ब्लड के, वो कम हो गए और उसकी कमी को पूरा कर दिया जाता है। तो अब हम आते हैं कि ट्रांसफ्यूजन में क्या चीज़ देखी जाती है, कि ट्रांसफ्यूजन करते समय क्या चीज़ें नेसेसरी हैं, क्या ज़रूरी है, किस चीज़ों को देखा जाता है। जब पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ब्लड में दो प्रकार की एंटीजन प्रोटीन पाई जाती है, एक को हम एंटीजन कहा गया। एंटीजन जो है कहाँ पाई जाती है? एंटीजन जो है आरबीसी के हम लोगों ने वहाँ पर पढ़ा था। एंटीजन से माल आरबीसी है, ये रेड ब्लड सेल है, आरबीसी है। आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पाई जाती है, ये प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पाई जाती है, इसे क्या कहा दिया गया, एंटीजन। और एंटीबॉडी क्या थी, जो कि प्लाज्मा में पाई गई, मतलब आरबीसी की सेल पर कौन पाया गया, एंटीजन, एक प्रकार की प्रोटीन थी इसे एंटीजन कहा दिया गया। और जो इसमें पाया गया, प्लाज्मा में पाया जा रहा है, उसको क्या कहा दिया गया, उसको इसमें भी मान लीजिए यहाँ एंटीजन है तो यहाँ एंटीबॉडी भी पाई जाएगी, जैसे ए एंटीजन है तो यहाँ एंटीबॉडी क्या होगी, बी होगी, ये वहाँ बताया गया है। इसी प्रकार से इसमें भी अगर मान लीजिए यहाँ बी है एंटीजन, तो यहाँ पे ए एंटीबॉडी पाई जाती है। तो हमें देखना है कि प्लाज्मा में जो है कहाँ होती है, प्लाज्मा में,
ब्लड प्लाज्मा में क्या पाई जाती है, एंटीबॉडी पाई जाती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर क्या पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन लिखिए, प्लाज्मा नहीं, सॉरी, यहाँ पे आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन पर, आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन पर क्या पाया जा रहा है, एंटीजन पाया जा रहा है। अब इन्हीं चीजों को देखना है, एंटीजन एंटीबॉडी देने वाले का हर समय जो ब्लड डोनेट करता है, यहाँ लिखा हुआ डोनर एंटीजन, मतलब यहाँ हम डोनर, एक साइड हम डोनर को की बात करते हैं और दूसरी साइड रिसिपिएंट, दो ही होते हैं। अगर ट्रांसफ्यूजन ब्लड की होगी तो वहाँ पर दो व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी, एक तो दाता होगा एक तो ग्राही होगा, इसे हम क्या कहते हैं, दाता कहेंगे, और इसे क्या कहेंगे, ग्राही कहेंगे। तो रिसिपिएंट क्या है, ग्राही है और दाता है, तो दाता और ग्राही दो हैं, डोनर और रिसिपिएंट। अब हमें क्या देखना है कि डोनर का एंटीजन देखना, हर समय मेडिकल क्षेत्र में क्या देखा, मेडिकल में क्या देखा जाता है कि डोनर का जब ट्रांसफ्यूजन के समय हर समय क्या देखा जाता है, डोनर का एंटीजन देखा जाता है, जो कि अभी बताया गया आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पाई जाती है, और ग्राही का क्या एंटीबॉडी देखी जाती है कि इसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी है, और इसमें देखा जाता है कि एंटीजन कौन सा है। तो हम यही ट्रांसफ्यूजन का एक सिस्टम बताते हैं कि किसके साथ कौन सी एंटीजन रहेगी तो वो सर्वाइव करेगा व्यक्ति, नहीं तो खत्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ एंटीजन ए है, मैंने बताया था एंटीजन ए, एंटीजन बी, दो ही एंटीजन है, अब दो एंटीजन है, विशेषतर पर दो हैं, अगर ए भी जो होता है इसका कंबाइनेशन रूप है, ठीक है, इसका कंबाइनेशन रूप है। अब इसके एक अगर ए के साथ वो एंटीबॉडी वाली ए है और यहाँ पे बी है, यहाँ भी हम ट्रांसफ्यूजन का सिस्टम नहीं बता रहे हैं, अभी हम क्या बता रहे हैं किसके कॉम्बिनेशन से क्या हो जाता है। देखिए यदि ए दाता जो ब्लड दे रहा है उसका एंटीजन ए, अगर एंटीबॉडी सेम करेक्टर पे, मतलब ए है और ए भी इस्माइल है, मतलब एंटीबॉडी ए है समान है, तो क्या करेगा व्यक्ति एक्सपायर कर जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है, अगर देखिए अगर ए एंटीजन है तो व्यक्ति कैसा होगा, बी ब्लड ग्रुप का बताया गया, फर्स्ट पार्ट में बताया गया है, ब्लड ग्रुप के फर्स्ट पार्ट में बताया गया। अगर ए है, ए एंटीजन है तो ए ब्लड ग्रुप का व्यक्ति होगा, बी है तो बी एंटीजन का, बी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति होगा, बी एंटीजन है तो बी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति होगा। अब हमें इस अगर मान लीजिए ए और ए सेम है, जिस ग्राही वाले व्यक्ति का एंटीबॉडी अगर यहाँ पे एंटीबॉडी जो है ए है और ए भी ए है, देने वाले का, देखिए हमने बताया कि ग्राही का एंटीबॉडी देखा जाता है और दाता का एंटीजन देखा जाता है, यदि दोनों सेम है तो क्लोटिंग कर जाएगा ब्लड, ऐसी अवस्था में ब्लड दोनों में क्लोट कर जाएगा। तो ये हर समय हमें आगे जब हम आगे देखेंगे तो उसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझ रहे हैं कि किस प्रकार से हमें देखना है। देखिए मान लीजिए यहाँ ब्लड ग्रुप ए का कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति है जो दाता है, डोनर है ए ब्लड ग्रुप का, तो हम कह सकते हैं यदि ए ब्लड ग्रुप का कोई व्यक्ति है तो उसके सेल आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन पर कौन सी एंटीजन पाई जाएगी, आप तुरंत कह सकते हैं कि ए ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है उस पर ए एंटीजन पाई जाएगी, कौन सी ए, हम जानते हैं एंटीजन के बेस पर ही ब्लड ग्रुप को बांटा गया है, और इसमें बी पाई जाएगी एंटीबॉडी अपोजिट वाला, लेकिन हमें यहाँ एंटीबॉडी से मतलब नहीं रखना है, हमें यहाँ लिख सकते हैं लेकिन इससे हमें मतलब नहीं रखना है, हमें किससे, हर समय डोनर का एंटीजन देखा जाएगा, किसके किसको देखा जाएगा, एंटीजन को। अब ए ब्लड ग्रुप का व्यक्ति का डोनर है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं क्या डोनर है, और रिसिपिएंट मान लीजिए चारों ब्लड ग्रुप हम यहाँ दिखा देते हैं, चारों ब्लड ग्रुप के दिखाएंगे तो मतलब यहाँ पे पहले ए ब्लड ग्रुप का दिखा दीजिए, मान लीजिए यहाँ ए ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है तो यहाँ पे एंटीजन ए होगा, बी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है तो उस पर एंटीजन कैसी होगा, बी होगा, और ए बी ब्लड ग्रुप का है तो ए बी एंटीजन होगा, और ओ ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है तो इस पर कोई एंटीजन नहीं होगा, इस पर नील होगा, मतलब एंटीजन कोई नहीं होगा बी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति में। अब हम यहाँ पे एंटीबॉडी लिखते हैं क्योंकि ग्राही में एंटीबॉडी जो है ब्लड डोनेट में जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं उस समय देखा जाता है, तो यहाँ पे एंटीबॉडी क्या होगा, बी होगा, यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, इसके अपोजिट।
और ए भी है तो यहाँ पे नील होगा, यहाँ पे कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, नील मतलब कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, कोई एंटीबॉडी यहाँ पे नहीं पाई जाएगी, मतलब आप ऐसे लाइन खींच देते हैं यहाँ पे कोई नहीं पाई जाएगी, यहाँ पे कोई नहीं पाई जाएगी, ठीक। अब यहाँ पे एंटीबॉडी जो है दोनों पाई जाएगी, यहाँ पे एंटीजन नील है तो यहाँ पे दोनों एंटीबॉडी पाई जाएगी ओ ब्लड ग्रुप में, ओ ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है। मान लीजिए तीन प्रकार के ब्लड ग्रुप के व्यक्ति हैं, ए ब्लड ग्रुप का एंटीजन ए है तो ए ब्लड ग्रुप का व्यक्ति होगा, बी है तो बी का होगा, ए बी का है तो ए बी ब्लड ग्रुप का होगा, अगर यदि किसी में एंटीजन नहीं पाया जा रहा तो वो ब्लड ग्रुप का व्यक्ति होगा। ये तो वो पहले पार्ट में सारी चीजें हो गई हैं। अब हमें यहाँ पे डोनेट, मान लीजिए इन चारों व्यक्तियों को ब्लड चाहिए, चारों ब्लड ग्रुप के भाई चार ब्लड ग्रुप के व्यक्ति होते ही, अगर देखें तो हमारे पूरे पॉपुलेशन में जो होता है तो क्या है, चार ब्लड ग्रुप, चार प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं और चारों में और मान लीजिए सभी की जरूरत है, एक ब्लड ग्रुप का रुधिर दे दिया जाए तो क्या होगा। हमें यहाँ देखना है यदि एक ब्लड ग्रुप के व्यक्ति कहे यहाँ पे इन चारों को जरूरत है, अगर इनको ब्लड रुधिर दिया जाए तो कौन जीवित रहेगा, कौन कौन की क्या कंडीशन हो, कौन किसका डेथ हो जाएगा और कौन अलाइव रहेगा, कौन जीवित रहेगा और किसकी डेथ हो जाएगी, इसको हमें देखना है। अब हम देखिए अगर हम यहाँ से यदि हम यहाँ से इसको ब्लड दिया जाए, ठीक है, ए ब्लड ग्रुप का व्यक्ति यदि ए को ब्लड दे, देखिए मैंने क्या कहा एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए अगर सेम है तो हाँ ब्लड क्लोट कर जाएगा, क्लंपिंग कर जाएगा, क्या से कर जाएगा, क्लोट क्लंपिंग कर जाएगा, यहाँ पे ब्लड क्लैक कर जाएगा, मैंने बताया था क्लंप कर जाएगा, क्लंपिंग कर जाएगा, यहाँ ब्लड क्या होगा क्लंपिंग कर जाएगा, ठीक है, क्लंपिंग मतलब क्लोट कर जाएगा। कब, अब देखिए अब यहाँ बी है और यहाँ पे क्या है, हम इसको देखेंगे एंटीजन को, इससे हम मैचिंग करेंगे, देखिए थोड़ा सा यदि यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है, इसको देखिए अब हम देखते हैं ए और ए सेम नहीं है, क्लंपिंग नहीं होगा, यहाँ पे क्लंप करने का मतलब हमने बताया था कि जब ए सेम है तो यहाँ क्लंप करेगा, नहीं तो नहीं। अब यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है तो यहाँ पे ए ब्लड ग्रुप का व्यक्ति जो एंटीजन जिसके पास है वह इसको ब्लड दे सकता है, ए ब्लड ग्रुप वाले को दे ही सकता है, क्यों दे सकता है, क्योंकि एंटीजन ए है एंटीबॉडी यहाँ बी है, डिफरेंस है, ठीक। अब हम बी पे चलते हैं, आराम से ध्यान सुनिए सब समझ आएगा। अब यहाँ पे हम बी पे चलते हैं, ठीक है, क्या ए व्यक्ति बी ब्लड ग्रुप को रुधिर दे सकता है, हम इसी का एंटीजन देखेंगे, जैसे मैंने इसके ऊपर बताया ए है और यहाँ पे क्या है ए है और ए है, जब ए है आप देखेंगे कि ये क्या हो जाएगा, क्लंपिंग कर जाएगा, ब्लड क्लोट कर जाएगा, व्यक्ति एक्सपायर कर जाएगा, ठीक है, व्यक्ति एक्सपायर, इसलिए ए ब्लड ग्रुप का व्यक्ति के रुधिर किसको नहीं दे सकता, बी को नहीं दे सकता, ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। अब हम देखते हैं, अब इसमें देखें ए बी वालों को दे सकता है कि नहीं, ए ब्लड ग्रुप का व्यक्ति ए बी वालों को दे सकता है कि नहीं, हम यहां देख सकते हैं ना, ए लिख सकते हैं, ए के साथ बी था, ए के साथ ए आया तो एक्सपायर कर गया, अब ए के साथ ए आया एक्सपायर कर गया, अगर ए के साथ इधर का ए है और यहाँ पे ए बी है दोनों, देखिए यहाँ पे कोई, हाँ देखिए अब यहाँ पे कोई एंटीबॉडी नहीं है, जब यहाँ पे कोई एंटीबॉडी नहीं है, नील है तो ए के साथ कोई एंटीबॉडी नहीं है, ए आराम से जाए मौज मस्ती करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जब कोई उसको क्लोटिंग करने वाला है ही नहीं, एंटीबॉडी है ही नहीं, तो आराम से इसको दे सकता है, ए बी को दे सकता है ना, दे सकता है, नहीं दे सकता है, क्योंकि यहाँ क्लोट करने वाला तो है ही नहीं, तो यहाँ इसको आराम से दे सकता है, ठीक है। अब आपने देखा कि अब ये ओ ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है, एक ऐसा है ओ ब्लड ग्रुप का, ओ ब्लड है, ओ ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है, इसको क्या है, क्या ए ब्लड ग्रुप का व्यक्ति दे सकता है, इसको रुधिर ब्लड दे सकता है, ट्रांसफ्यूज कर सकता है, नहीं ट्रांसफ्यूजन इसको मतलब कर सकता है, ये व्यक्ति आप देख सकते हैं कि यहाँ ए है, यहाँ पे ए है, लेकिन यहाँ भी ये प्रेजेंट है, ये दोनों है, लेकिन यहाँ पे ए है ना, सेम हो गया, यहाँ पे भी क्लोट कर जाएगा, ब्लड क्लंपिंग कर जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि ए ब्लड ग्रुप का व्यक्ति इसको किसको दे सकता है, ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, ब्लड ग्रुप ए बी को और ए को जो है, ए ब्लड ग्रुप का डोनर जो है इसको ब्लड उनको ब्लड दे सकता है। इस प्रकार से जब ए वाला है, इसी प्रकार से हम एक सारणी के द्वारा समझेंगे कि किस प्रकार से ब्लड ग्रुप का ट्रांसफ्यूजन किया जाता है,
अगर यहाँ तक किसी को समझ प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करके बोलेंगे कि सर क्या बात है, कमेंट्स आप कहिएगा करिएगा जो भी प्रॉब्लम होगी। यहाँ तक क्या था, मैंने बताया कि एंटीजन और एंटीबॉडी देखी जाती है, और इस आधार पर आप समझेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा कि ए के साथ नहीं होना चाहिए। यहाँ एंटीबॉडी जैसे ए हुआ, जहाँ जैसे यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ प्लॉट कर गया, और बी कहीं साथ में है। देखिए बी और बी, देखिए बी यहाँ पे बी ग्रुप से देख लीजिए, यहाँ बी है ना, यहाँ हम उल्टा देख लें। मान लीजिए इसको हम डॉनर बना दें, ए बी इस ब्लड ग्रुप को हम डॉनर बना दें और इसको ए को देना है। अब क्या होगा, यहाँ बी है एंटीजन, हम इसका एंटीजन देखेंगे और इसका एंटीबॉडी देखेंगे। देखिए यहाँ बी हो गया, बी बी और ए को नहीं दे सकता, बी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति ए को नहीं दे सकता। हम इसका इसको देख लें, ए बी बी है, यहाँ बी है एंटीजन, एंटीजन बी है और इसका एंटीबॉडी भी है। देखिए इसका एंटीबॉडी भी है, अगर इसको हम उल्टा इधर से कर देंगे, डॉनर बन जाए या रिसीवर बन जाए तो क्या होगा, नहीं दे सकता। तो इसी प्रकार से हम इस सारणी में बनाएंगे, सारणी को समझेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, ये डॉनर इधर हो गया, ये हो गया दाता, ये दाता हो गए और ये ग्राही हो गया, ग्राही हो गया रिसिपिएंट, ग्राही इस साइड में रिसिपिएंट को रखूंगा और इस साइड में दाता, ठीक है। तो सबसे ऊपर मैं एंटीजन लिख दे रहा हूं, क्या क्या चीज, एंटीजन, फिर नीचे एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। अब देखिए हम एंटीजन को, मतलब चार ब्लड ग्रुप के व्यक्ति हैं, यहाँ पे चार ब्लड ग्रुप के व्यक्ति हैं, आप जानते हैं कि ए का होगा, ए ब्लड ग्रुप का होगा, बी का होगा, ए बी का होगा और ओ ब्लड ग्रुप का व्यक्ति होगा, ठीक है। ये क्या हुआ, हमने क्या लिखा कि जो एंटीजन है, ये क्या है, एंटीजन है, हम ब्लैक से लिख दिए, एंटीजन ही उसका ब्लड ग्रुप दर्शाता है। ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, जीरो मतलब कोई नहीं, ऐसा समझ लीजिए। अब एंटीबॉडी की बात करते हैं, हम एंटीबॉडी की बात करते हैं, फिर इसमें भी एंटीजन लिख दें, हम इसमें भी एंटीजन लिख दें, यहाँ भी ए ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है, ए एंटीजन पाया जाएगा, यहाँ बी है तो बी एंटीजन पाया जाएगा, यहाँ पे ए बी ब्लड ग्रुप का है तो ए बी एंटीजन पाया जाएगा, और यहाँ पे कोई एंटीजन नहीं है तो ओ ब्लड ग्रुप, मतलब चार ब्लड ग्रुप के व्यक्ति इधर है, चार इधर है, हम एक सारणी के द्वारा समझेंगे। अब आपसे पूछा जाए कि ए का एंटीबॉडी क्या होगा, हम सीधा बता सकते हैं उसका अपोजिट होगा, मतलब स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा बी, ए का क्या होगा, बी, ए का एंटीबॉडी क्या होगा, स्मॉल लेटर में आप लिखना है बी, बी का क्या हो जाएगा ए, और हम जानते हैं कि ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, एब्सेंट होते हैं, और ओ में जो है दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, दोनों एंटीबॉडी ए और बी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब हम इसमें यहाँ पे देखते हैं ए में जो है कौन सी पाई जाएगी, उसी प्रकार से जैसे उसमें लिखे ए में बी, बी में ए और ए बी में कोई नहीं पाई जाएगी, ए बी में कोई नहीं, ओ में जो है दोनों पाया जाएगा। अब जैसे हम यहाँ बताएं आपको, सीधा सीधा इसमें देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि किसको कौन पर, इधर डॉनर है, देने वाले हैं, दाता है और इधर ग्राही है, मतलब एक रुधिर लेंगे, ब्लड लेंगे, तो हमें इधर से देखना है, ठीक है, इधर से इधर डॉनर से रिसीवर, क्योंकि देने वाला कौन है, दाता है ना, तो हम डॉनर का क्या देखते हैं, हमने कहा था यहाँ पे समझाया था, दाता का क्या देखते हैं, एंटीजन देखते हैं, क्या देखते हैं, एंटीजन जो उसके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर है, उसके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो है उसको हम देखते हैं। तो उसका हम क्या देखेंगे, डॉनर का देखेंगे कि एंटीजन क्या है, इसका एंटीजन क्या है ए, ठीक है, और ग्राही का, ग्राही का जो रिसिपिएंट है उसका क्या देखेंगे, उसका जो है, उसका जो है हम क्या एंटीबॉडी देखेंगे, क्या देखेंगे, एंटीबॉडी। अब इससे इसे मैच करिए, इस प्रकार कंडीशन नहीं बन रही है, ए ए अगर बन जाता तो क्लोट कर जाता, ए ए ब्लड ग्रुप का व्यक्ति ए को रुधिर दे सकता है, सीधा सीधा करिए, क्योंकि ए बी है, ए और बी है, ए और ए नहीं है, ठीक है। अब हम बी को देखेंगे, यहाँ पे बी है, ठीक है, लेकिन बी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति ए को रुधिर दे सकता है, ए ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को रुधिर दे सकता है, यहाँ बी और बी क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं, इसलिए नहीं दे सकता, इसलिए नहीं दे सकता, डोनेट नहीं कर सकता, ए बी बी, ए बी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है। अब आप देखते हैं ए बी दोनों हैं, एंटीजन दोनों हैं, ठीक है। अब इसमें से कोई ए का और बी का अपोजिट है, देखिए इसमें, इसमें देखिए बी है, ठीक है,
बी और यहाँ भी बी है एंटीजन और एंटीबॉडी यहाँ बी है सेम है, तो इस प्रकार से इसको भी रुधिर क्या हो इसमें भी आप यहाँ देखिए बी और बी सेम है या क्लंपिंग कर जाएगा, क्लोट कर जाएगा, कैसे क्लोट कर जाएगा, व्यक्ति स्पायर कर जाएगा अगर ऐसा ब्लड चढ़ गया किसी व्यक्ति को दे डोनेट कर दिया गया तो। और इसके बाद यदि इसमें देखा जाए तो क्या होगा आप बता सकते हैं, इसमें कोई एंटीजन है ये नहीं है एंटीजन कोई है भैया, किसको तुम मारने वाले भले रहो यहाँ पे मतलब क्लोटिंग करने वाले भले रहो लेकिन वहाँ क्लोट किसको करोगे तो कोई क्लोट नहीं कर पाओगे, वो क्लोट कर जिसको आप क्लोटिंग करना है क्लंपिंग करना है तो उसको कर ही नहीं पाओगे, तो आप इसको ये ब्लड दे मतलब ओ ब्लड ग्रुप जो है ए को दे सकता है, ओ ब्लड ग्रुप ए को रुधिर दे सकता है, ए बी नहीं दे सकता है, बी नहीं दे सकता है, ए दे सकता है ए को, ठीक। अब हम इसी से इसमें देखेंगे, देखिए ए ब्लड ग्रुप क्या बी को दे सकता है, आप बता सकते हैं कि यहाँ सर ए है और यहाँ क्या है ए है, आप समझ सकते हो कि ए ब्लड ग्रुप बी को नहीं दे सकता ब्लड, ए ब्लड ग्रुप व्यक्ति जो है या बी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को रुधिर नहीं दे सकता क्योंकि यहाँ एंटीजन ए है एंटीबॉडी यहाँ सेम सेम हमने बताया कि यहाँ सेम सेम है क्लंपिंग कर जाएगा तो क्लंपिंग कर जाएगा या यहाँ पे क्लंपिंग कर जाएगा व्यक्ति स्पायर कर जाएगा। अब आगे देखो फटाफट से बी है, बी है यहाँ, बी है यहाँ, ए है डिफरेंस है ठीक है ओके दे सकता है बी ब्लड ग्रुप सेम सेम ब्लड ग्रुप का है तो दे ही देगा ठीक है, कुछ कंडीशन में ऐसी बनती है। अब यहाँ पे ए भी है, देखिए यहाँ पे ए भी है, अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ए है तो यहाँ नहीं दे सकता, यहाँ ए है ना यहाँ भी ए है नहीं दे सकता, यहाँ पे एंटी अब आप ओ ब्लड ग्रुप तो आँख मूंद के लगाना है क्योंकि यहाँ कोई एंटीजन है ही नहीं है, अरे तुम यहाँ प्रेजेंट रहो भले ही रहो लेकिन यहाँ पे क्लोटिंग कर ही नहीं सकते ना, किसको करोगे आप किसको क्लोट करोगे ठीक है। अब तो हमें देखना है ए बी, अब देखिए ए ब्लड ग्रुप ए बी को दे सकता है कि नहीं, ए ब्लड ग्रुप ए बी को दे सकता है कि नहीं, ए इसमें कोई देखिए आप इसमें कोई एंटी अब इसमें कोई एंटीबॉडी ही नहीं है, ए बी ब्लड ग्रुप में कोई एंटीबॉडी है ही नहीं जो क्लोट करता है, ए बी आराम से इसमें आएगा, बी भी इसमें आराम से क्यों क्लोट करने वाला कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, ए सब इस ए बी जो है सबसे ले लेगा, भैया तुम भी दे सकते हो तुम भी दे सकते हो तुम भी ब्लड से दे सकते हो, ए भी दे सकता है बी भी दे सकता है ए भी इससे ले सकता है ओ से भी ले सकता है, क्यों ऐसा है क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है और सबसे ले लेगा, इसीलिए इसे यूनिवर्सल रिसीवियर कहा गया है रिसीपिएंट कहा गया है ना कि ये सबसे रुधिर ले सकता है, क्यों ले सकता है क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है एब्सेंट है नील है तो ये क्या करता है सबसे रुधिर ले सकता है ओके। अब आते हैं हम लोग इसमें ओ ब्लड ग्रुप ए ओ को दे सकता है नहीं दे सकता, ए और ए सेम है नहीं दे सकता, बी दे सकता है नहीं दे सकता समझ सकते हो नहीं दे सकता, ए भी दे सकता है नहीं दे सकता नहीं दे सकता, देखते जाइए ए भी क्यों नहीं क्योंकि दोनों प्रेजेंट हैं, और ओ ओ को दे सकता है कि नहीं दे सकता है दे सकता है, इस प्रकार से आए हम देखते हैं कि ओ ब्लड ग्रुप चारों ब्लड ग्रुप को रुधिर दे रहा है, देखिए दे रहा है ना डॉनर है इधर दे रहा है, और ए बी ब्लड ग्रुप चारों ब्लड ग्रुपों से रुधिर को ले रहा है ना चारों से ले रहा है, इसलिए यूनिवर्सल जो है यूनिवर्सल रिसिपिएंट क्या हुआ यूनिवर्सल रिसिपिएंट यूनिवर्सल रिसिपिएंट क्या हुआ रिसीव करना दाता कौन हुआ ए भी हुआ, यूनिवर्सल रिसिपिएंट क्या हुआ ए भी हुआ, और यूनिवर्सल डोनर क्या हुआ ओ ब्लड ग्रुप का, इसी प्रकार से हम कहते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट ए भी यूनिवर्सल डोनर ओ हुआ। तो इस प्रकार से हम एक बार देखते हैं इसका फिर से एनालाइज कर ले ठीक है, वेरियस मेडिकल कंडीशन का कौन सी बनती है कि ब्लड की जरूरत पड़ती है, एनीमिया हो गया सर्जरी हो एक्सीडेंट केस में ब्लड की नेसेसरी होती है, ब्लड प्रोडक्ट का इतने प्रकार होल ब्लड एक तो होल ब्लड होता है पूरे ब्लड को देखा जाता है, इसमें से कुछ पार्ट जो होते हैं जैसे आरबीसी प्लेटलेट्स भी लोगों को डोनेट किया जाते हैं ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, इसी प्रकार से मैंने बताया दाता का एंटीजन देखा जाता है रिसिपिएंट का एंटीबॉडी देखी जाती है किसमें ब्लड को ट्रांसफ्यूजन में, अगर ए ए सेम है एंटीजन एंटी जो दाता है उसका एंटीजन एंटीबॉडी सेम सेम कैरेक्टर के हैं तो वहाँ क्लोट कर जाएगा, जैसे बी बी है क्लोट कर जाएगा, इस प्रकार से मैंने यहाँ समझाया। और एक जो आपको चार्ट बनाए हैं
बार बार वीडियो आप रिवाइज करके देख सकते हैं क्या इसमें देखिए दाता का हर्ष में एंटीजन और रिसीवर का हर्ष में एंटीबॉडी देखी जाती है। इसके आधार पर आपको समझ में आया होगा। तो इसको विधिवत समझने के लिए आप ब्लड ग्रुप का फर्स्ट पार्ट देखें और ये सेकंड पार्ट है। इसके बाद आपको आरएस फैक्टर है, आरएस फैक्टर को आगे हम लोग देखेंगे थर्ड पार्ट में। आरएस फैक्टर, आरएस फैक्टर में एक कंडीशन जो आती है वहाँ पर माइनस प्लस जो आता है उस कंडीशन को हम देखेंगे। ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव या ए माइनस बी माइनस ए बी प्लस पॉजिटिव आते हैं जो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव जो आता है सिंबल आते हैं ये कैसे आते हैं क्यों आते हैं इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगले जो है पार्ट में ये दूसरा पार्ट होगा, फिर तीसरे पार्ट में आपका सारी चीज़ें बताई जाएंगी आर एस पॉजिटिव निगेटिव का। ठीक है, ओके। यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दें और लाइक करिए। आप लाइक करेंगे तो हमारी हम मोटिवेट होंगे जिससे आपके लिए और भी वीडियो बनाते रहें और भी एजुकेशनल वीडियो बनाते रहें जिससे आपको हेल्पफुल रहे। ठीक है, ओके, थैंक यू।